2022 में कितने चमकेंगे आपके सितारे, कैसी रहेगी किस्मत आपकी। जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। तो मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आपके लिए नहीं होगी धन की कमी, बदलेंगे गर्दिश के सितारे। जी हाँ दोस्तों, मेष राशि वाले जितने भी हमारे दर्शक हैं, नया वर्ष सन 2022 आपके लिए कुछ मीठे और कुछ खट्टे फल देने वाला रहेगा। फाइनेंशियल पोजीशन की बात करूं, आर्थिक स्थिति की बात करूं, नया वर्ष 2022 मुनाफा देने वाला रहेगा। बिजनेसमैन जो हमारे दर्शक हैं उनको प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन स्टॉक मार्केट से दूरी बनाकर रखनी होगी। उतना ही काम कीजिएगा जितना आपकी गुदड़ी हो। रिलेशंस के बीच की अगर हम बात करें तो रिश्तों की, प्यार की अहमियत को आपको समझना होगा। निश्चित तौर पे 2022 में आपके गर्दिश के सितारे बदलने वाले हैं, लेकिन सतर्कता पूरे साल जरूरी है। अतः अपने बेहतर कल की तैयारी में आज से ही जी जान से जुड़ जाइएगा। कुल मिलाकर कहूं 2022 में मेष राशि वालों को समय के साथ साथ उतार चढ़ाव तो देखने को मिलेंगे ही, लेकिन कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। साल की शुरुआत बढ़िया रहेगी और अंत भी अच्छा रहेगा। बीच में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशंस रहेगा, उतार चढ़ाव बना रहेगा। एक रास्ता को भंग करने के लिए आवश्यक है ये थोड़ा सा फ्लक्चुएशन। हमारे वो दर्शक जो अनमैरिड है, इस साल के अंत तक आप विवाह के बंधन में भी बच सकते हैं। आइए जान लेते हैं साथ में उपाय। महीने में एक बार किसी मंदिर में, किसी गुरुद्वारे में 8 किलो आलू का दान अवश्य कीजिएगा। अपने निवास के स्थान पर दक्षिण दिशा में एक लाल रंग का झंडा लगाइएगा। महीने में एक बार कुष्ठ रोगियों की सेवा अवश्य कीजिएगा। 7 बार बजरंग बाण का पाठ करते हुए एक काले धागे में 7 गांठें लगा दीजिएगा और उस धागे को अपने सीधे हाथ की अर्थात दाहिने हाथ की कलाई में बांध लीजिएगा। निश्चित तौर पर वर्ष 2022 आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेके आएगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, नव वर्ष 2022 में मिलेगा आपको बेहतर स्वास्थ्य और धन का लाभ। जी हाँ दोस्तों, वृषभ राशि वाले जितने भी हमारे दर्शक हैं, नया वर्ष 2022 आपके लिए अच्छे फल प्रदान करने वाला रहेगा। आपको अपने आप को साबित करने के कई मौके मिलेंगे। वर्ष के पहले हाफ में, फर्स्ट हाफ में नौकरी के क्षेत्र में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन वर्ष के दूसरे हाफ में, सेकंड हाफ में सब कुछ बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। हमारे जो बिजनेसमैन दर्शक हैं, सबको सामान्य रहेगा, आपके लिए अनुकूल रहेगा 2022। फाइनेंशियल अगर हम बात करें तो आर्थिक रूप से वर्ष 2022 निश्चित तौर पर आपके अनुकूल रहने वाला है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको पूरी मेहनत से अपनी पढ़ाई को करना होगा, निश्चित तौर पर सफलता आपके कदमों को चूमेगी। हमारे वो दर्शक जिनकी अभी तक नौकरी नहीं लगी या नौकरी से संबंधित कोई परेशानी है, थोड़ा सा धैर्य बना के रहिएगा, आने वाले समय में सफलता अवश्य आपको प्राप्त होगी। आपकी मैरिड लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ बेटर रहेगी। 2022 में स्वास्थ्य भी आपका उत्तम बना रहेगा। उपाय क्या करना है? महीने में एक बार अंधे बच्चों के स्कूल में 11 किलो शक्कर का दान कीजिएगा। 11 किलो शक्कर का दान महीने में एक बार अंधे बच्चों के स्कूल में, अनाथाश्रम में। अपने निवास स्थान में दक्षिण दीवार पर बैठी हुई अवस्था में पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर लगा दीजिएगा। अपने सीधे हाथ की कलाई में बगलामुखी मंत्र बोलते हुए काला डोरा बांध दीजिएगा। किसी गरीब जरूरतमंद कन्या का कन्यादान नव वर्ष में आपको अवश्य करना है, ध्यान रखिएगा। निश्चित तौर पे आपके लिए 2022 विल बी मच बेटर। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले जितने भी हमारे दर्शक हैं, निश्चित तौर पर आपकी मेहनत रंग लाएगी। जी हाँ दोस्तों, मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, नया वर्ष 2022 आपको शुभ परिणाम देने वाला रहेगा। कहते हैं कि जिंदगी का दूसरा नाम संघर्ष है। इस वर्ष यह पंक्ति भली भांति आपके ऊपर लागू होगी। कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है और कुछ पल ऐसे भी होंगे जिनका एहसान आपके ऊपर सदा के लिए रह जाएगा। हेल्थ सेक्टर यू हैव टू बी केयरफुल, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है, उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है।
और जितना ज्यादा हो सके खर्चों को कंट्रोल करना होगा। हमारे जो बिजनेसमैन दर्शक हैं उनको बिजनेस में बड़ा मुनाफा होने वाला है। कुल मिलाकर कुछ बातों को अगर मैं नजरअंदाज कर दूं तो निश्चित तौर पे नया वर्ष आपके लिए बेहतर साबित होगा। हमारे पढ़ने वाले बच्चों को मेहनत करनी होगी, इस समय की गई मेहनत का फल भी आपको अवश्य मिलेगा। करियर की दिशा में भी नया साल 2022 बेहद कारगर साबित होगा। नई नौकरी मिलने के अवसर आपको मिल सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से वर्ष 2022 में कुछ बीमारियों से सावधान रहने की आवश्यकता है। थकान, अनिद्रा, तनाव आदि की वजह से परेशानियां हो सकती है, उनसे बचना है, ध्यान रखिएगा, ओवरऑल बेटर रहेगा। उपाय क्या करना है, हर बुधवार गौशाला जाकर गौ माता की सेवा अवश्य कीजिएगा। अपने निवास स्थान के ईशान कोण में, ईशान कोण कौन सा हुआ, पूर्व उत्तर का कोना है, वहां कमल का पुष्प उगाइएगा। गणेश चालीसा का नियमित रूप से पाठ कीजिएगा। वृद्धाश्रम में बुधवार को हरी सब्जियों का दान कीजिएगा। निश्चित तौर पर नया वर्ष आपके जीवन में नव है।